नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2022 में भारत में बेची गई इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बात करेंगे। जहां एक तरफ पिछले मंथ में टाटा मोटर की तरफ से पूरे भारत में बेची गई इलेक्ट्रिक कारों की गिनती पिछले साल जनवरी महीने के मुकाबले 5 गुना तक बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मार्केट में 3 नए प्लेयर की एंट्री भी हो चुकी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस साल के फर्स्ट मंथ में टाटा मोटर की तरफ से इलेक्ट्रिक कारों की सेल में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। टाटा मोटर के द्वारा जनवरी 2022 में 2,892 इलेक्ट्रिक कारों की सेल की गई, जबकि ईयर 2021 के जनवरी मंथ में टाटा मोटर के द्वारा केवल 514 इलेक्ट्रिक कारों की सेल की गई थी। इसके साथ ही टाटा मोटर की तरफ से बेची जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों में 463% का दमदार इजाफा हुआ है। टाटा मोटर इस वक्त भारत में अपने टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टैगोर ईवी को सेल कर रही है। कंपनी जल्द ही भारत में अपनी एक और इलेक्ट्रिक हैचबैक टाटा अल्ट्रोज को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। इसके साथ ही टाटा मोटर अपनी नेक्सॉन ईवी के अपडेटेड वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रही है, जिसके साथ टाटा नेक्सॉन ईवी एक बार फुल चार्ज करने पर 450 किलोमीटर से ज्यादा रेंज ऑफर करने में सक्षम हो जाएगी। इस दमदार सेल फिगर के साथ टाटा मोटर ईवी मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ दाग जमाए हुए है। एमजी मोटर के द्वारा जनवरी 2022 में अपनी 57 एमजी जेडा सीवी की सेल की गई। एमजी अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को 21 लाख रुपीस से लेकर 25 लाख रुपीस प्राइस टैग के साथ मार्केट में सेल कर रही है। एमजी के द्वारा अपनी इस इलेक्ट्रिक कार में 44.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो इस इलेक्ट्रिक कार को एक बार फुल चार्ज करने पर 419 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है। एमजी अपनी इस इलेक्ट्रिक कार के अपडेटेड वेरिएंट को इसी मंथ मार्केट में लॉन्च कर सकती है, जिसको एक बार फुल चार्ज करने पर 500 प्लस किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा। एमजी जेडा सीवी के अपडेटेड वेरिएंट के ऊपर हमारे चैनल पर पहले ही एक वीडियो बनाई गई है, आप ऊपर दिए आई लिंक के ऊपर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों महिंद्रा के द्वारा इस साल के जनवरी मंथ में टोटल 31 इलेक्ट्रिक कारों की सेल की गई। दोस्तों महिंद्रा इस वक्त भारत में अपनी 2 इलेक्ट्रिक कारों महिंद्रा रिवा और ईवरीटो की सेल कर रही है। महिंद्रा अपने इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों को गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही स्कीम फेम 2 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है। महिंद्रा जल्द ही भारत में अपनी XUV 300 और KUV 100 की इलेक्ट्रिक कारों को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। दोनों आने वाली इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग भी शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही महिंद्रा अपनी XUV 700 और XUV 500 के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को भी लॉन्च कर सकती है। दोस्तों चाइनीज कार निर्माता कंपनी BYD के द्वारा भारत में अपनी ऑफिशियल एंट्री के ऊपर काम किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा जनवरी 2022 में अपनी 10 E6 इलेक्ट्रिक MPV फ्लीट ऑपरेटर को सप्लाई की जा चुकी हैं। कंपनी के द्वारा ऑटो एक्सपो 2020 में कंपनी की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक और इंटरनल कंबस्टन कारों को पहली बार शोकेस किया गया था, लेकिन कोविड और चाइना इंडिया के टेंसलेशन के कारण कंपनी भारत में अपनी कारों को लॉन्च नहीं कर सकी। कंपनी के द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक MPV E6 को फ्लीट ऑपरेटर को कमर्शियल यूज के लिए सप्लाई किया जा चुका है। कंपनी की तरफ से अपनी सिलेक्टिक MPV में 71.7 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो इस इलेक्ट्रिक MPV को एक बार फुल चार्ज करने पर 520 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है। ऑडी इंडिया के द्वारा जनवरी 2022 में अपनी इलेक्ट्रिक SUV e-tron के 9 यूनिट की सेल की गई। कंपनी के द्वारा अपनी इस 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV की कीमत 1.16 करोड़ रुपीस रखी गई है। कंपनी भारत में अपनी इस इलेक्ट्रिक SUV के 2 वेरिएंट e-tron 50 और e-tron 55 को सेल कर रही है। अगर इस इलेक्ट्रिक SUV की बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ऑडी के द्वारा e-tron 50 में 71 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो इस कार को 350 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है, जबकि इसके हायर वेरिएंट e-tron 55 में 95 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जो इस इलेक्ट्रिक कार को एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है।
जैगुआर भारत में अपनी लग्जरी एसयूवी आईपीएस को 1.8 करोड़ रुपीज से लेकर 1.12 करोड़ रुपीज प्राइस टैग के साथ सील कर रही है। कंपनी के द्वारा जीयर 2022 के जनवरी मंथ में अपनी 9 इलेक्ट्रिक जैगुआर आईपीएस की सील की गई। इस शक्तिशाली एसयूवी में कंपनी के द्वारा 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है जो 400 पीएस की पावर और 696 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इलेक्ट्रिक एसयूवी अपनी शक्तिशाली मोटर्स के साथ 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेने में केवल 4.8 सेकंड का समय लगाती है। इसमें लगाए गए 90 किलोवाट के लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ इसको एक बार फुल चार्ज करने पर 470 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इन सभी कार निर्माता कंपनियों के द्वारा जनवरी मंथ में हिंडुई मोटर, मर्सिडीज बेंज और पोर्श के द्वारा अपनी टोटल 12 इलेक्ट्रिक कारों की सेल की गई। दोस्तों, इस प्रकार जनवरी मंथ में ही कार निर्माता कंपनियों के द्वारा टोटल 3000 इलेक्ट्रिक कारों की सेल की जा चुकी है। आने वाले समय में दूसरी कार निर्माता कंपनियां भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने जा रही है, जिसके कारण ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में इस साल 50,000 से लेकर 1 लाख तक इलेक्ट्रिक कारों की सेल पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों, आपकी इन सभी कारों के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।